हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एट पेंडिंग बैंक साइड। इस तरह का मैसेज आता है, जैसे आप रोड टैक्स वगैरह ऑनलाइन करते हैं तो वहाँ पे कुछ भी अगर अधूरा आप छोड़ देते हैं तो बाद में आपको इस तरह का प्रॉब्लम होता है। दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार है और आज की इस वीडियो पे आपको हम फॉलोइंग ट्रांजेक्शन पेंडिंग बैंक साइड जो आता है उसे हम सॉल्व करने गए, कैसे उसे आप ठीक करेंगे। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। परिवहन लिखना है, परिवहन, और यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो ऑनलाइन सर्विस है आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका सिलेक्ट स्टेट नेम लिखा हुआ आएगा। आप अपना जिस स्टेट से आप हैं वो उस स्टेट का आप नाम को यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है आपको। तो मैं यहाँ पे जिस स्टेट से हूँ वो सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे RTO सिलेक्ट करना है, जिस RTO से आप हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो सिलेक्ट कर दीजिएगा। ओके, एक्सेप्ट हेयर पे क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद अगला जो स्टेप होगा इस तरह का आएगा। अब आपको यहाँ पे जो ये प्रोसीड पर क्लिक है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद पे योर टैक्स लिखा हुआ आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे अपना व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर आप डायल कर देंगे, जो आपका व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो पूरा यहाँ पे आपको भर देना है, पूरे विदाउट स्पेस का, ठीक ना, पूरे आपको फिल करना है विदाउट स्पेस, बिना स्पेस दिए, ठीक ना। उसके बाद आपको यहाँ पे उसका लास्ट का 34 नंबर लिख दीजिएगा, 5 डिजिट। उसके बाद सो वेरीफाई डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा, यही जो मेन समस्या है यही है। तो आपको इसमें करना क्या है, आपको यहाँ पे देखिए जो पहले का होगा यहाँ पे फ्रेश परमिट लिखा होगा, और यहाँ पे MB टैक्स, और यहाँ पे जिसमें क्लिक हेयर इस तरह ब्लू कलर का होगा उसके बगल में एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा। आपको इसको इधर से माउस का क्लिक करके इसे कॉपी कर लेना है, या फिर इतना सेलेक्ट करने के बाद माउस का जैसे आप राइट क्लिक यहाँ पे इसे दबा के रखेंगे और यहाँ से इतना तक लाएंगे। उसके बाद कंट्रोल के साथ C दबा देंगे, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद उसी को यहाँ पर क्लिक करेंगे और Ctrl V कर देंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जी जो इसका कैप्चा कोड है वो आप फिल कर लेंगे, जो जो है सही सही फिल करना है। तो मैं अपना कैप्चा कोड जो था वो फिल कर लिया। उसके बाद आपको शो डिटेल्स पे क्लिक करना है। इस तरह पूरा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पे जितना सारे देख सकते हैं इतना आपका जो भी है यहाँ पे पूरा आ जाएगा। आपको री वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं रिवेरीफाई पर आप क्लिक कर देंगे तो। उसके बाद चेक टू बैंक पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद कॉन्फर्म पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। ये आपका हो गया फेल, ठीक ना। तो उसके बाद आपको फिर से वही जैसे हमने किए थे वहाँ से ऑनलाइन जाके आपको फिर से हम दिखाते हैं, वो चीज़ नहीं आएगा। मैं फिर से आपको परिवहन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको वहाँ पर ले चलते हैं, और वहाँ पे आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो वहाँ पे डाल लेंगे गाड़ी का, और फिर आपको हम आगे प्रेस करके दिखाते हैं। उसके बाद आपको जो इतना लेने के बाद आपको एक्सेप्ट हेयर पर क्लिक करना होता है, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह का अगर आपका आ रहा है कि प्लीज़ सेशन ऑलरेडी एक्टिव सा लिखा हुआ आता है तो आपको इसको बंद कर लेना है ब्राउज़र को, और फिर से ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको परिवहन लिख के सर्च करना है, और फिर से आपको वेबसाइट पर आ जाना है, और यहाँ पे वो ऑनलाइन सर्विस पे व्हीकल डिटेल सर्विस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से फिर अपना स्टेट जो चूज करेंगे, और फिर से वही रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डायल कर देंगे फिर हम। उसके बाद आपको यहाँ पे एसेट पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पर फिर से क्लिक कर देंगे, पे योर टैक्स पर क्लिक करेंगे, लास्ट जो आपका 5 डिजिट का जो कोड है वो डायल करेंगे, 36 नंबर। उसके बाद वेरीफाई डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आ गया फ्रेश परमिट। आपको इसमें नो नहीं बल्कि एस करना है। एस करते ही आपको इस तरह का आएगा ऑप्शन, आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पर इधर MB टैक्स है इस पर यहाँ पर सेलेक्ट करके कितना दिन का कटाना है, यहाँ पर क्वार्टरली ईयरली, तो इस तरह क्लिक करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक कर दीजिएगा, इस और भी वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटे साथ दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।